आज मैंने किया अपनी हेलमेट की सफाई पूरा अच्छी तरीके से मुंह से लगा के इसको साफ किया, क्योंकि ये मेरा पहला सबसे सस्ता हेलमेट था जो कि मेरे को 2000 में पड़ा था। और इसका इतना मैं ख्याल रखता हूँ जैसे मानो इसका प्राइस 10,000 तक आसपास हो, लेकिन मेरा लाइफ का ये पहला हेलमेट है। इससे पहले मैंने ना कोई हेलमेट ख़रीदा है और ना कोई हेलमेट देखा है, ये मैंने पहली टाइम लिया है अपने लिए। इसके साथ मैंने राइडिंग ग्लोव्स भी मंगाए, ट्राईपोड भी मंगाए, जो कि इससे मदद मिलता है मेरे को मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए। तो आप लोग तो वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको भाई को पॉपुलर कर दो भाई। इस हेलमेट भेगा की तरफ से आने वाला है, जो कि एक भैया मेरे को उनके क्रेडिट कार्ड से परचेज करके दिलवाया, जो कि मेरे को पड़ा 1680 या 1790 तक पड़ा। दिखने में तो बहुत, मतलब आगे वाला भाई जरा ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई आगे दिखे ना, कोई तुमको बाहर से अंदर नहीं देख सकता, अंदर से तुम सारी दुनिया को बाहर। चलो इसको पहन लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइट में जाता है, देखो पूरा इस टाइप से। मैं खुले बॉडी में हूँ इसलिए सबको माफ़ी मांगता हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो मैं तो पतला हूँ और मेरा हेलमेट को पहन के भी साफ करता हूँ, कहीं मेला वेला नहीं लगा है तो। और मेरे को कितना कंफर्ट है ये मैं भी देखना चाहता हूँ, और मेरा जो शरीर में दाग है वो भी छुप जाता है। इसको सीट बेल्ट, हेलमेट का बेल्ट थोड़ा सा टाइट होता है जो कि काफ़ी दिक्कत होता है मतलब लगाने में, तो मैं इसको 2-3 सेकंड तक लगाता रहता हूँ तभी भी ठीक नहीं होता। फिर अच्छे से इसका होल पकड़ के इसको अंदर डालना पड़ता है, तो उसके बाद ही ये लग पाता है। अभी पूरी तरीके से लग गया है, देखो बहुत टाइट हो रहा है और दर्द भी कर रहा है हेलमेट नीचे करने से, क्योंकि ये बहुत टाइट है, मेरे साइज से थोड़ा सा मतलब छोटा है। कोई नहीं, इसको चला लेंगे। फिर मैं इसके चारों साइड साफ कर लेता हूँ, देखता हूँ सब काम दे रहा है कि नहीं, सब अच्छे से साफ हो गया। मिरर में भी देखता हूँ, सामने मिरर लगाया है, मिरर में भी देखता हूँ। और मेरा जो राइडिंग ग्लोव्स था वो भी टूट गया है, उसको सिलवाना का है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब अच्छा मेरा प्रो राइडर की तरफ से आने वाला है। सबसे सस्ता राइडिंग ग्लोव था, उसको मैं अपने पहला राइडिंग ग्लोव और पहला हेलमेट इसको मैं संभाल के रखूँगा भाई, चाहे जितने भी परेशान टूट जाएगा तो भी संभाल के रखूँगा। और राइड का प्लान हो चुका है, कल या परसों राइड पे जाएंगे, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है भाई। इसको बारीकी से मैं देख रहा हूँ ताकि कोने कोने पे तो दाग लगे, मैं इसको मुंह में लगा के भी साफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे बहुत मतलब बहुत बहुत चाहता हूँ भाई। यह मेरा हेलमेट है भाई, अपनी कमाई से ख़रीदा है भाई, किसी से मांग के नहीं लाया है। इसको मैं जिधर जिधर भी इधर मेरे को मैं गंदा दिखे उधर उधर मैं साफ करूँगा भाई। मैं जब राइडिंग करके आया था तो मैं इसको 1 घंटा साफ किया भाई, इसके अंदर देखा कि इसका सारा लोग जो जिधर माइक रखते हैं वो सारा सब खुला, सब खुल के उसके अंदर कपड़ा मार के उसको साफ किया। फिर मैं इसका लोग देखता हूँ कहीं अंदर गंदगी ना चला जाए, क्योंकि अंदर गंदगी है तो बदबू आने लगेगा। मैं इसका सेंट भी मंगवाया हूँ जो कि अंदर से मतलब अच्छी अच्छी खुशबू आए। मैं इसका सेंट और इसका एक कवर भी मंगाया हूँ जो कि मैं इसे ढक के रख सकता हूँ, इसके ऊपर डस्ट वस्ट ना गिरे। तो ISI का मार्के हैं, 100% ISI लिखा है पीछे, और ये भेगा की तरफ से आने वाला है, भेगा बोल्ट, ये हेलमेट का नाम है भेगा बोल्ट। मतलब अच्छी तो प्राइस में अच्छी लगती है। इसका लॉकिंग सिस्टम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जो कि क्यूट क्यूट करके लॉक हो जाता है भाई, बहुत ही लाजवाब लॉकिंग सिस्टम है। आप लोग देखोगे ना हालत ख़राब हो जाएगी। इसके बाद और एक हेलमेट लाऊंगा जो वो वाला ग्राफिक्स वाला, ये तो बिना ग्राफिक्स का है,
यह ग्राफिक्स किस कलर में मेरे को चाहिए? मेरे को चाहिए येलो कलर और लाइट कलर में, नहीं तो ग्रीन कलर में। यह ग्राफिक्स हेलमेट ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को भाई। आप लोगों को कौन सा हेलमेट अच्छा लगता है वो वाला हेलमेट मेरे को कमेंट में बताओ और सजेशन दो कौन सा हेलमेट लाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप सभी को लिए दिल से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट करो। इसके सामने एक मतलब हवा जाने के लिए एक एडिशनल अटैचमेंट दिया है जिसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप। मैं इसको ऑफ ही करता हूँ क्योंकि वहाँ पे लगता है मेरा मोबाइल का ट्राइपॉड और जिसमें मोबाइल माउंट रहता है, मोबाइल माउंट भी बोलते हैं। इसको मैंने पानी से साफ किया, अब दूसरी बार क्या करूँगा इसके थोड़ा क्लीनर लाऊँगा, क्लीनर से साफ किया तो ये अच्छा रहेगा भाई, हर जगह क्लीन क्लीन दिखेगा और चमके। और ये इसको मैं कपड़े की जगह दूसरा कुछ वो जो मोबाइल के ऊपर साफ करते हैं ना वही वाला कपड़ा लाऊंगा, उससे साफ करूंगा तो एक कपड़ा एक दिन एक बार के लिए काफ़ी है भाई। वो कपड़ा 15 या 20 का आता है और क्लीनर आता है 60 या 70 रुपये का। मैं इसको हेलमेट से अच्छे से चमका दिया भाई, क्या साइन मार रहा है देखो भाई। छोटी बहन मेरे को मर रही थी, क्या इतने टाइम से हेलमेट साफ कर रहे भाई, तू नहीं समझेगा इसका जो मज़ा है ना राइडिंग करने का, राइडिंग में इतना मज़ा आता है तेरे को नहीं मालूम। तो सिर्फ पीछे बैठ के जाता है और बैठ के आता है, तेरे को क्या मालूम राइडिंग के बारे में? जो राइडर है ना उससे जाके पूछ ले, उसके लिए बाइक कितना इम्पोर्टेंट है। बाइक नॉट ए मशीन, बाइक मशीन नहीं है मेरे लिए, मेरे हार्ट की एक टुकड़ा है, बड़ा सा टुकड़ा जिसके लिए मैंने पूरी उम्र लगा दूंगा भाई बाइक में। मेरा सपना है कि शादी होने से पहले इतना अच्छी कलेक्शन बाइक रखूंगा कि मोहल्ले वाले क्या अपनी पड़ोसी में मेरे को जले कि वो उसका बेटा जा रहा है, जब गाड़ी चला के जाऊंगा भाई। आप सभी प्यार है मेरे लिए।